आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप ही रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोप्राइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9525949737। विशेष आप तमाम मीडिया के साथी बंधु, और आपके माध्यम से हम लोगों की जहां तक आवाज़ जा रही है, और तमाम आज के इस धारणा में उपस्थित सम्मानित मुखिया साथी, यहां के सम्मानित मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई श्यामा प्रसाद यादव जी, और जो नाम की गुणवत्ता है लाल बहादुर, जिस बहादुरी के साथ आज विगत चार दिन से जो इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का धारणा का जो आयोजन किया है, जिला मुखिया संघ के महासचिव भाई लाल बहादुर सिंह जी, जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह जी, दरौली ये इंग्लिश पंचायत के सम्मानित मुखिया भाई तनवीर जी, और मालिक इस क्षेत्र के तमाम मालिकों, जो भी हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तमाम सभी लोग को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका आभार। सवाल मुखिया जी ये है कि यहाँ जो स्थानीय वीडियो है दरौली प्रखंड के एसडीओ है, उनके खिलाफ यहाँ के प्रतिनिधियों का कहना है कि हिटलर शाही और तानाशाही उनका चल रहा है, तो जन प्रतिनिधियों का मान सम्मान करना पदाधिकारियों का फर्ज बनता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बात समझने की जरूरत है। भाई लाल बहादुर सिंह और यहाँ के मुखिया संघ के द्वारा जो चार दिन से यहाँ धारणा का आयोजन किया गया है, आखिर उनकी मांग क्या है? सवाल इस पे आ जाता है, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि ये चुने हुए जनता के प्रतिनिधि, प्रथम इकाई, बड़ी मजबूत इकाई है, और वह लोग जिन लोगों ने ताकत दे करके अपनी आवाज के लिए प्रखंड के सदन में भेजा है जिस साथी को, ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि उनको प्रखंड मुख्यालय में आज विगत चौथे दिन से धारणा का जरूरत पड़ गया है, वो भी अनिश्चितकालीन। अब जब देखेंगे इनका डिमांड, जब मांग को आप देखेंगे, महसूस होगा कि ऐसा कौन सा मांग इन लोगों ने लेकर के और प्रशासन के समक्ष जो मांग है, यही तो मांग है कि पंचायत में जो कर्मी है, समझिएगा बात को, पंचायत में जो कर्मी हैं वो पंचायत के ड्यूटी में समय से उपस्थित हों। मांग समझिएगा कितना मजबूत मांग है। इस देश और इस प्रदेश और इस प्रखंड की व्यवस्था, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, और उनके अगर कर्मी प्रखंड में उपस्थित नहीं हो, आप बताएं कि उनके कार्यों का निष्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ के जो साथी ने जो मांग किया है, बड़ी मजबूत मांग है कि आप जो कर्मी दिए हैं, बिहार की सरकार और बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दिया है, पंचायत को जो ताकत दिया, उस ताकत को तो दीजिए, वो लोग उपस्थित तो हों। और उनके उपस्थिति का, देखिए एक दूसरा पॉइंट है, उनके उपस्थिति के आधार पर उनके मानदेय का भुगतान हो, कितना मजबूत चीज है भाई। हम जितना काम करेंगे उस काम को मजदूरी मिलना चाहिए, वही तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन चार दिन से कोई सूद लेने वाला नहीं है। पंचायत की समस्या, लोग बेहाल हैं, जितना भी समस्या, लोग परेशान हैं अपने कामों को लेकर के, आरटीपीएस काउंटर सुचारू रूप से नहीं है। आप बताएं जरा, आरटीपीएस का जो व्यवस्था संविधान में निहित किया गया है, पंचायती राज सिस्टम में जो आरटीपीएस को दिया गया है, किस लिए दिया गया है? हमारे इस हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे चाचा चाची लोग यहाँ जो मालिक उपस्थित हैं, उनके बेटा बेटी का आसानी से उनको जाति आय निवास मिल जाए, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, विधवा पेंशन हो, इन लोगों का आसानी से आरटीपीएस काउंटर से उनका जो ऑनलाइन हो जाएगा। किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आरटीपीएस काउंटर से जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब लोग वहाँ नहीं बैठेंगे, आपके कार्यपालक सहायक नहीं बैठेंगे, पंचायत सचिव नहीं बैठेंगे, आपके रोजगार सेवक नहीं बैठेंगे, किसान सलाहकार नहीं बैठेंगे, आईटी सहायक नहीं बैठेंगे, विकास मित्र नहीं बैठेंगी, जैसे आप जाएंगे, बताइए जनता का काम हो पाएगा? और लोगों ने उम्मीद से किस ताकत के बदौलत जो ताकत दिया है, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग यही ना कहते हैं, सुबह से शाम तक तमाम लोग जाता और क्या कहता है मुखिया जी, ए टू जेड के बीच का जितना भी शब्द होता है, जितना भी समस्या है पंचायत के मालिकों का, वह लोग सीधा अपने पंचायत के प्रतिनिधि, जो मजबूत इकाई है, ग्राम पंचायत के मुखिया को पकड़ के कहते हैं कि हमारे समस्या का निष्पादन होना चाहिए। लेकिन जो पावर निहित किया गया, जो व्यवस्था दिया गया, वह व्यवस्था शून्य है, उसी को लेकर के तो ये लोग धारणा पे हैं।
और चार दिन से कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या इस बात को मान लिया जाए कि यहाँ शासन और प्रशासन का कोई इकाई नहीं है? क्या इस बात को मान लिया जाए कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है? क्या इस बात को मान लिया जाए कि यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है? तो हम तो आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय सिवान बैठे हुए हैं, और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने कल सारा चीज़ को हमने ब्रीफ किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और आज भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम जिला के मालिक हैं, आपका ध्यान कहाँ है? अरे इस पर भी ध्यान दीजिए ना, ये दरौली प्रखंड आप ही के जिला का प्रखंड है, और चार दिन से लोग जनता के सवाल पर लेकर के आज पड़े हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है, न शासन न प्रशासन, तो क्या यह मान लिया जाए कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीका से कोलैप्स हो चुका है? यहाँ की जो शासन है निरंकुश शासन है, यही दर्शाता है। और हम लोग उसी लड़ाई में आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए, उसी लड़ाई में अपने मुखिया संघ के जो साथी हैं उन लोगों के लड़ाई में हम लोग शरीक हुए हैं, और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं यहाँ भाकपा माले के जो साथी के द्वारा जो ताकत दिया जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद दिल से अभिनंदन करता हूँ कि वैसे लोग हम लोगों को आकर के ताकत बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का भी अपना इश्यूज है, मुद्दा है, और हम लोगों का भी इश्यूज और मुद्दा, और दोनों मुद्दा जनता के लिए है। वो अगर निष्पादित नहीं होगा उन लोगों की समस्याओं का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लोग बड़ा उम्मीद से ताकत दिया है ना, और जब ताकत दिया है उनके समस्याओं का निष्पादन नहीं होगा तो हम लोग कल गाली सुनेंगे, और किसके वजह से गाली सुनेंगे? शासन के लोगों की वजह से गाली सुनेंगे। तो हम लोग गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, और ये अनिश्चितकालीन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक शासन के लोग आकर के समस्याओं का निष्पादन नहीं करते हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, चाहे 10 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, अब यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। जिला प्रशासन का आज चौथा दिन है, कोई सकारात्मक सहयोग या कोई सकारात्मक आप लोगों के प्रति बातचीत नहीं हुई, तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या? अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग स्टेज और स्टेप दोनों बदलने नहीं जा रहे हैं। स्टेज इसलिए नहीं बदलने जा रहे हैं कि भाई हम स्टेज बदल करके दूसरे तरफ नहीं जाएंगे, और स्टेप भी बदलने नहीं जा रहे हैं, और हमारा कोई मांग दूसरा मांग थोड़े है। बाबा साहब का दिया हुआ जो ताकत, जो संविधान में ताकत ताकत निहित किया गया, उसको इम्प्लीमेंट कराने की तो मांग है। हम कौन सा नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नया कानून बना दीजिए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था बदल दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया, पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत दिया गया, उस ताकत को आप जमीन पर ला दीजिए, और जब जमीन पर ला दीजिएगा तो हमारे जनता हमारे लोगों का काम आसान हो जाएगा। हम लोग की यही लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिलाधिकारी महोदय से विशेष करके कल हम भेजे थे उनको, कल सारा चीज़ हम यहाँ से आने से पहले हमने सारा चीज़ जिलाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय को एक एक घटनाओं के एक एक जिक्र से एक एक चीज़ों से हमने उनको अवगत करवाया हुआ है। आप आ करके देखिए, आप नहीं देखिएगा, ये जो है सो लोकतांत्रिक तरीका है। आज अनिश्चितकालीन धारणा का जो सिलसिला चल रहा है, जब तक जान रहेगा यहाँ हम लोग बैठे रहेंगे, अपने लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मुखिया जी, पंचायती राज व्यवस्था के जन प्रतिनिधियों का ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है, और धरना प्रदर्शन में जो MLC हैं, जो जन प्रतिनिधियों के वोट से वो विधान परिषद पहुंचे, उनका कहाँ इसमें कोई रोल अगर दिखाई दे रहा है? अब उस पर सवाल करेंगे तो फिर राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन कसक और दर्द है। लोग बड़ी उम्मीद से देखिए ना, संविधान में जो सिस्टम दिया गया है, हम लोगों की आवाज बनने के लिए उनको विधान परिषद में भेजा गया, तो हम सवाल उन पे कोई नहीं एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन ये जरूर सवाल पूछ रहे हैं कि आपको भी कम से कम 3 दिन हो गया, आपको आना चाहिए था। अगर आप यहाँ आते तो जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या जाता। आज हम लोग मुखिया की हैसियत से यहाँ धारणा पे, अगर यहाँ से हम लोगों के द्वारा चुने हुए विधान परिषद के सदस्य यहाँ आ जाए, अगर 1 दिन भी आ जाए, तो DM साहब को भी दौड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपरी सदन के सदस्य हैं, तो आते तो ताकत बढ़ता, अब नहीं है तो उस पर हम कुछ सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो ही हमारी ताकत है हम उस पर लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे।